हमेशा याद रखना, तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। ये! अरे नहीं नहीं नहीं, रोक दो बालवीर। ओहो, ये क्या कर रहे हो आप? परियो, हम आपकी मन की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन लेकिन सत्य के रास्ते पर कभी कभी कठोर फैसले लेना आवश्यक होता है। कालपरी, विचार परी, आप बालवीर को लेकर न्याय के पत्थर के पास आई है। जी राखी परी। परियों, हमें अपने न्याय के पत्थर के पास जाना चाहिए। बालवीर के अंत का समय अब हो गया है। रानी परी, हमें क्षमा कीजिएगा, पर हम नहीं आ सकते। बाल परी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। परियो, बचपन में आप सबने ही मुझे सिखाया था कि अपना कर्तव्य निभाते समय भावनाओं को दूर रखना चाहिए। कहना ये दूर भगवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
कि बालवीर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। भगवान प्लीज हमारी बीवी की रक्षा करना, उसे हमसे दूर कभी मत करना। हाँ भगवान, हमारी बीबी भी कौम से दूर मत जाने देना। मेहर, जब से तूने अपने सपने के बारे में बताया, तब से मुझे बालवीर की और भी ज्यादा फिक्र हो रही है। मानव, दादी जी तो ये भी कहती है ना कि भगवान से सच्चे श्रद्धा से जो भी मांगो वो उसे पूरा करते हैं। आओ मानव, हम बालवीर के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है डुबा डुबा लाओ। तैयार हो गया तुम्हारा शानदार चित्र। बंदर? बालवीर, वो दिखता क्या मैं बंदर जैसा? बहुत मस्ती कर रहे। तुम्हारी मौत का उत्सव देखकर बालवीर बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। बालवीर, डुबट भाई ने कौन सा ऐसा गलत कार्य किया था कि आपने उनके साथ? बालवीर, डुबा डुबा एक आपके बारे में कुछ भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था, पर आपने उसके साथ ऐसा। मैंने डुबा डुबा एक को नहीं मारा, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? बालवीर, अब क्या करें? बालवीर छोड़ दीजिए इन्हें। Ha ha ha.
आपको आखिरी चेतावनी देते हैं, खबरदार अगर आपने कोई भी बुरी हरकत की तो। बालवीर, आज आपने सिद्ध कर लिया कि रानी परी ने सही निर्णय लिया। आपको अपनों पर वार करने में कोई संकोच नहीं है। विशाल परी, भगवान जी को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं मानव, इसे रिश्वत नहीं, भोग कहते हैं। दादी कहती है कि भगवान को इस तरह से भोग लगाने से वो हमसे प्रसन्न होते हैं और हम उनसे सच्चे मन से जो मांगे वो हमें दे देते हैं। आओ मानव, हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। भगवान हमारा लगाया हुआ भोग स्वीकार करे और बालवीर को कुछ ना होने दे, उसकी रक्षा करे और उसे हर बुरे संकट से बचाए। क्या हुआ भाई, कौन है? ओहो, इतनी मुश्किल से नींद आई थी, कौन हो तुम? मैं हूँ कस्तूरी। ओ, जगा दिया। जाइए बालवीर, न्याय के पत्थर की ओर जाइए। Thank you.
बालवीर, अब तुम इतिहास के पन्नों पर ही नजर आओगे।